हेलो वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज देखिए आप दिखाएंगे मानसून की पहली बारिश को जर्मन शेफर्ड ने कैसे एंजॉय किया। तो ये देखिए सबसे पहले मैक्स के पोज, आप देखिए जर्मन शेफर्ड के पोज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब ये भी किसी भी ऐसे पोज में बैठा होता तो मैं इसकी क्लिक ले लेती हूँ, एक क्लिक कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैक्स के पोज, और ये फोटोशूट करवा रहा है, देखिए अपने आप में जाओ। नहीं हूं, ऐसे ऐसे कर रहा है, हो गया फोटोशूट। अब जाओ, चलो भाग जाओ, हो गया फोटोशूट। और ये देखिए, और ये है मैक्स का पोज, बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं बताना मुझे, अगर नहीं अच्छे लगते हो तो नहीं डालूंगी। तो आप देखिए मिलिए जर्मन शेफर्ड मैक्स से, और ये देखिए जर्मन शेफर्ड, और ये इंजॉय किए करेगा। आज मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए मॉर्निंग रूटीन, बाहर बारिश हो रही थी और जर्मन शेफर्ड ने कैसे इंजॉय किया बारिश को, मानसून की पहली बारिश को। तो गेट बंद है हमारा, और मैक्स ये मॉर्निंग में योगा करते हुए, तो मैक्स भौंक भौंक रहा है। ये देखिए मैक्स भौंक रहा है, इनसे रोटी मांग रहा है। अब ये क्या कह रहा है आप बताइए, मैं हम लोग क्या समझेंगे, क्या बोल रहा है, बोल तो सकते नहीं है। तो मुझे लगा ये सिर्फ रोटी के लिए भौंकता है, सुबह सुबह इसको रोटी चाहिए होती है, या फिर गेट खुलवाना होता है तब भी भौंकता है। तो क्या चाहिए मैक्स को, रोटी चाहिए। तो देन रियल आवाज़ सुने, और ये देखिए ऊपर बुला रहे थे। अभी इसका पोज बहुत अच्छा था, इसने देखा ये योगा कर रहे हैं आँख बंद करके, ये पूरा ऊपर चढ़ गया था। और जब मैं शूटिंग करने लगी, शूट करने लगी, तो ये बस नीचे से भौंक रहा, पूरा ऊपर चढ़ गया था कि आँख क्यों बंद कर रखी है। देन इंजॉय करें जर्मन शेफर्ड को, एंड इसने कैसे इंजॉय किया मानसून की पहली बारिश। आप देखते रहिए, ब्लॉग कोई मिस नहीं करेगा, बिल्कुल कट नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। तो रोटी दे दो मैक्स को, ये है मॉर्निंग रूटीन। और बाहर कितनी तेज धूप है देखिए, उसके बाद बारिश हो जाती है, तो जर्मन शेफर्ड इंजॉय करेगा बालकनी से ही। ये बालकनी को बहुत इंजॉय करता है, पूरा इसको लगता है कि जैसे बाहर है, बाहर आके डॉगी या कुछ भी दिखता रहता है। मम्मी के साथ आओ, तो मम्मी के साथ आओ, हैं इसकी एक्टिविटी। चलो मैक्स को रोटी, वो खाली हो गया, जाओ जाओ पापा। ये लावा सुने आप इसकी, यहां रोटी दे, इसको मांग रहे थे देर से, पापा देंगे, पापा पापा देंगे, पापा देंगे, अरे दे दो, आओ अच्छा आओ आओ, हम देंगे, आजा रोटी देंगे, चलो आओ आओ रोटी देंगे मैक्स को, आओ रोटी देंगे मैक्स को। देखो मैक्स की रोटी पैक रखी है, ये देखो रोटी के लिए मुंह पे चढ़ा हुआ था, हैं दे लो मैक्स की रोटी, शोर मचा रखा था, शोर मचा रखा था मैक्स ने, इतना शोर क्यों मचाया था, इधर देखो दे दो रोटी, ले लो मम्मी को दे दो, मम्मी को दे दो, मम्मी को तो दोगे, ले और देना रोटी। देखिए मैक्स किसी को रोटी देने के लिए तैयार नहीं होता, कितना भी प्यार करता हो बट रोटी नहीं देगा ये। तो एक दिन बीमार था, वो हम दिखाएंगे आपको वीडियो में, बीमार था तो रोटी नहीं खा रहा था, तो बोला था बाहर वाले डॉगी को दे देंगे, तब बड़ी मुश्किल से रोटी खाई थी। और ये मैक्स रेस्ट कर, आप देखिए इंजॉय करें आप भी, देखो बारिश, मानसून की पहली बारिश, जो इंजॉय कर रहा है हमारा जर्मन शेफर्ड, एंड साथ में आप भी इंजॉय करें। बहुत अच्छा लगा, तो मैंने क्लिप लिया थोड़ा सा, बहुत अच्छा मौसम हो गया, और गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा, यहाँ तो टेम्परेचर 48-49 चल रहा था। उसके बाद जो बारिश हुई, फर्स्ट बारिश थी मानसून की पहली बारिश को मैक्स ने इन्जॉय किया। ये बाहर भी गया था तो भीग गया था, उसके बाद में थोड़ा मॉइस्चर की वजह से इसको थोड़ा सा इन्फेक्शन भी हुआ है। तो आप देखें और इन्जॉय करें मैक्स को और मानसून की पहली बारिश इन्जॉय करते हुए। और ये देखिए ये हमारा बालकनी व्यू कैसा लग रहा है आपको, हमें बहुत अच्छा लगता है बालकनी में, तो मैक्स बहुत इन्जॉय करता है, आप भी इन्जॉय करें। और देखिए बादलों का मैंने लिया था थोड़ा सा, देखिए मैंने इसको हाइपर मोड में डाला था, तो बादल बिल्कुल जाते हुए, बहुत ही सुंदर व्यू। और ये मुझे लगता है ये मेरा इतना बड़ा पार्क है, रोड फेसिंग है हमारा घर, तो ये हमारे आसपास का चौराहा, ये गोल चक्कर होते हैं यहाँ पर, लाइट नहीं होती तो गोल चक्कर हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गोल चक्कर ही है, कहीं पे लाइट नहीं है, रेड लाइट नहीं है, अभी सभी जगह मेरे ख्याल से गोल चक्कर ही बन रहा है, रेड लाइट वाला बिजली वाला चल नहीं, जिसको जिधर जाना होता उधर चले जाते हैं, कंटिन्यूस रहता है। तो ये देखिए बारिश, पहली बारिश, मानसून की पहली बारिश को एंजॉय किया जर्मन शेफर्ड ने और मैंने खुद ने भी। तो ये देखिए बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें, ये देखिए
कैसा लग रहा है आपको? तो इन्जॉय किया है ये बारिश, उसके बाद से बारिश नहीं हुई अभी तक, पहली बारिश को इन्जॉय किया जर्मन शेफर्ड ने, तो इन्जॉय करें सभी। और हमारा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ आप बताएं, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ किया जाए, अच्छा लगना चाहिए इसीलिए बनाते हैं। तो कैसा लगता है? और ये देखिए नहा चुके थे सुबह सुबह, भीग गए थे बारिश में, आज बैठे तो नहा के बैठे हैं। तो मैं कह रही थी वीडियो में हो तो कोई मतलब नहीं, लोग को जब वीडियो में आएंगे तब लगेगा, उनको लगता है कहाँ बातें करते रहते हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, तो ये पता नहीं है कि वीडियो जाएगी बाहर। तो हेलो हाय कुछ नहीं, कोई नहीं, तो हम लोग को तो पता है, हम तो आप लोग को देख के ही बस गुड मॉर्निंग और हेलो वेलकम करते हैं, मुझे लगता है हमारे लोग हमारे सामने हैं। और ये मैक्स पापा के साथ, हम देखिए पापा ही बुलवाते हैं क्योंकि हमने बिल्कुल बच्चों की तरह पाला है इसको, अपने बच्चों से ज़्यादा। अगर इसको कुछ कष्ट होता है तो हमें बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है जब ये दर्द में है। तो इनका कार्ड बना हुआ है, मेडिकल पूरा कार्ड बना हुआ है जिससे इसको इंजेक्शन वगैरह लगते रहते हैं। थोड़ा सा भी दर्द होता है तो हम लोग को बच्चों से ज़्यादा इससे मतलब बहुत कष्ट होता है, थोड़ा सा भी कहीं कट जाता है या कुछ लग जाता है, ये कांटों में घूमता रहता बाहर, नंगे पैर जाता, जूते इनके आते नहीं हैं, तो वो लगता है इनको सूज पहनाए जाए ताकि इनके पैरों में कुछ ना लगे, सॉफ्ट होते हैं बहुत सॉफ्ट। कैसे देख रहा है? अरे पापा के साथ एंजॉय करते हैं तो देखो बाहर बारिश हो रही, बाहर मैक्स भीग जाएगा, पानी में भीग जाएगा, पूछ देखो जरा। आप इंजॉय करें यहाँ से मैक्स की एक्टिविटी को, और मैं म्यूजिक लगाती हूँ तो आप देखिएगा, आप भी इंजॉय करें हमारे यहाँ की बालकनी को, हमारी बालकनी को हमारे साथ में और हमारे जर्मन शेफर्ड के साथ में, आप भी प्लीज़ इंजॉय करें। आप ये सोच के इंजॉय करें कि आप हमारे साथ यहीं हमारी बालकनी में हैं और हम लोग इंजॉय करेंगे। आइए चलिए चलते हैं म्यूजिक के साथ, चलें इस पे आ जाओ, बैठ के दिखा दो। अच्छा चलो आ जाओ, अंदर आओ, आओ अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर जाओ, पापा के पास जाओ।